हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बात करेंगे हम आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, जैसे आप न्यूअर वर्जन यूज करते हैं, अगर नए वर्जन्स को आप यूज कर रहे हो तो उस समय आपको ये दिक्कत आएगी कि जब आप बटन्स बनाने के लिए जाओगे तो वहां पर बटन्स यहां पर आ तो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मैं डिजाइन व्यू पे ले रहा हूँ और यहाँ पर हमें एक बटन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बटन पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये बटन बन तो जाएगा, लेकिन जो बटन का विजार्ड है वो नहीं ओपन होता है। जब विजार्ड ही नहीं ओपन होगा तो बटन कैसे क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आज इसी का सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के एंड तक आपको यह पता लग जाएगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आपको बटन बनाना है तो बटन पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहां पर आएंगे, और ये खासतौर पे न्यूअर वर्जन में होता है, 2016 या उसके बाद के जो वर्जन्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम आएगी आपको ज्यादातर। तो जब ये नहीं क्रिएट होगा तो आपको कहां जाना है, यहां आप देख सकते हैं डिजाइन पे क्लिक करिएगा, और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो यूज कंट्रोल विजार्ड है इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो फिर ये बटन्स क्रिएट होने लगेंगे। जैसे अब मैं इस पे क्लिक करता हूं और ड्रैग करता हूं तो देखते हैं कमांड विजार्ड ओपन होता है या नहीं। तो ये देखिए कमांड विजार्ड अब ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अब फिर अगर आप दोबारा से यही काम करेंगे, यानी कि यहां पर जाकर के और यूज कंट्रोल विजार्ड पे क्लिक कर देंगे, तो फिर अगर आप बनाएंगे बटन्स तो कमांड विजार्ड ओपन नहीं होगा। ये देखिए अब ये ओपन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कमांड विजार्ड ओपन ना हो तो आपको क्या करना है, यहां से जाकर के और यूज कंट्रोल विजार्ड पे क्लिक कर देना है तो कमांड विजार्ड अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पे कमांड विजार्ड ओपन हो गया। अब हमको बनाना है नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हमने क्रिएट कर दिया यहां से। ये लीजिए ये हो गया नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, और यहां से क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब यहां से आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं इसको, फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, फिर इस तरह से करके आप आगे बढ़ सकते हैं और बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन कैसे बन रहा है, ठीक है, और ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है और कैसे वर्क करेगा। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।